72 घंटे तक दिल्ली पुलिस भागती रही पीछे, 1200 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ा तो देखा चादर पर पड़ा 18 करोड़। नटवर लाल और सुपर चोर बंटी की बात हुई पुरानी, ये है छत कटवा लोकेश, एक हथौड़े से निकाल लेता है सारा सामान। बस में बैठकर आता है, 20 घंटे तक सामान चुराता है, फिर अगले दिन नया बैग खरीदकर बस से ही फरार हो जाता है। इसके हुलिये पर मत जाइए, ये कितना बड़ा मास्टरमाइंड है ये सुनिए और सावधानी बरतिए। आप दिल्ली में रहते हैं या गांव में, ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इसका नाम है लोकेश श्रीवास और एक हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ से बस पकड़कर ये दिल्ली आता है। 24 सितंबर की रात 11 बजे दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम में घुसता है। उसके हाथ में सिर्फ एक हथौड़ा होता है। पड़ोस की छत के रास्ते वो ज्वेलरी शोरूम की छत पर पहुंच जाता है और फिर छत काटकर सीधा अंदर पहुंच जाता है और यहीं से उसके 20 घंटे की चोरी का किस्सा शुरू होता है। पहले स्ट्रॉन्ग रूम से सोना निकालता है, फिर चांदी को अलग करता है, फिर उसकी नजर हीरे पर पड़ती है, सबको एक बैग में पैक करता है, वहां सो भी जाता है और अगले दिन शाम 7 बजे वहां से बैग लेकर निकलता है। सीधा कश्मीरी गेट जाकर बस पकड़ता है और रास्ते में एक नया बैग लेता है ताकि सामान पकड़ा ना जाए और फिर सीधा बिलासपुर होते हुए छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंच जाता है। वहां उसके दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं, वहां से कुछ सोना हीरा बेचता है, बाकी का बोरे में छिपाकर चादर में लपेट कर रख देता है। इधर दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में कभी सीसीटीवी देखती तो कभी मकान मालिक से पूछताछ करती, पर कुछ हाथ नहीं लगता। इसी बीच छत्तीसगढ़ पुलिस अपने यहाँ पर हुई चोरी की घटनाओं की जांच में करवर्धा पहुँचती है। वहाँ से शिवा चंद्रवंशी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार करती है। शुरू में तो उसने टालमटोल की, बाद में बताया कि उसका साथी है लोकेश, जो दिल्ली में कोई बड़ी चोरी को अंजाम देने गया है। ये सुनते ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली पुलिस को फोन मिलाया। गुरुवार सुबह 11 बजे के आसपास फोन आया और अगले ही कुछ घंटे में इंस्पेक्टर विष्णुदत्त शर्मा और दिनेश फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए। अब तक शिवा शर्मा पुलिस को लोकेश का नंबर और परिवार का पता सब कुछ दे चुका था। इत्तेफाक ये था कि लोकेश वापस छत्तीसगढ़ लौट चुका था और जैसे ही सटीक लोकेशन पता चलती है पुलिस उसके पास पहुंच जाती है। करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पुलिस के जवान जब उस कमरे में पहुंचते हैं तो जो दिखता है वो हैरान कर देता है। चादर पर सोने और हीरे के ढेर लगे होते हैं, देखकर पुलिस वालों की आंखें चौंधिया जाती हैं। वो भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे पकड़कर दिल्ली ले आती है। उसके बाद पूछताछ में पूरी कहानी जब बताता है तो हर अधिकारी ये सोचता है कि ये तो नटवरलाल और सुपर चोर बंटी से भी बड़ा मास्टरमाइंड निकला। बंटी एक पेचकस की मदद से करोड़ों का खेल कर जाता था। नटवर लाल की किस्से तो आपने सुने ही होंगे, उसने राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को बेच डाला था और लोकेश श्रीवास भी शायद इस मामले में पीएचडी करना चाहता था। दिल्ली वाला मामला इसके लिए कोई नया नहीं था क्योंकि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये पहले भी कई बार ऐसे खेल कर चुका है। कभी पुलिस की पकड़ में आता तो कभी फरार हो जाता। एक बार तो रायगढ़ जेल तोड़कर फरार हो गया था। अभी इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं तो हो सकता है कुछ दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताए, बाकी की जिंदगी आंध्र प्रदेश में कटे। आपने उस महिला चोर की कहानी तो सुनी ही होगी जो फ्लाइट से आती थी, घरों में हाथ साफ करती थी और वापस फ्लाइट से ही भाग जाती थी। जब तक पुलिस कुछ पता करती वो अपना पता ठिकाना मोबाइल नंबर सब बदल लेती थी, लेकिन उसके बावजूद एक दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। तो कोई कितना भी शातिर हो, पुलिस से बचना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे लोगों की कहानियां हम आपको इसलिए सुनाते हैं ताकि आप सावधानी बरतें, मकान हो या दुकान उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ठीक से निभाएं, वरना ऐसे लोगों की नजर कब किस चीज पर आ जाए कहां नहीं जा सकता। फिर थाने के चक्कर और सीसीटीवी देखते वक्त गुजरेगा। आज दिल्ली के जिस इलाके से इसने 25 करोड़ के सामान पर हाथ साफ किया उसके मालिक यही सोच रहे होंगे कि काश हमने एक सिक्योरिटी गार्ड रख लिया होता तो कम से कम अलर्ट मिल जाता। 25 करोड़ में से सिर्फ 18 करोड़ का ही सामान बरामद हो पाया है, बाकी का क्या हुआ इसका पुलिस पता लगा रही है।